students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will do activity number 8 and its name is space and perspective. So iske andar hum kya sikhenge? Iske andar hum space perspective iske bare mein sikhenge. Cutting pasting ka work hoga. तो कटिंग पेस्टिंग से तो आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं कि वो होता क्या है, बट हमें ये नहीं पता पर्सपेक्टिव क्या होता है. तो पर्सपेक्टिव इट गिव्स द इल्यूजन, ये एक हमें इल्यूजन देता है. इट रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंटिंग द विजिबल वर्ल्ड ऑन द टू डायमेंशनल स्पेस ऑफ अ पिक्चर. टू डी सरफेस पे हम थ्री डी को रिप्रेजेंट करेंगे. So before starting, you have to put date, day and classwork. Okay, तो अब हमें इसके लिए material क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं. We need a pencil, scissor and glue. एंड आपकी बुक में पेज नंबर 10 पे ऑलरेडी एक पेज दिया हुआ है, लाइक दिस, कुछ इस तरह का पेज है. तो हम इन डिज़ाइंस का यूज़ करेंगे, इनको कट करेंगे. ओके, सो हम एक बार कट कर लेते हैं इन्हें. सो हम लोगों ने ये इस तरह के डिज़ाइंस कट कर लिए हैं और देखो ये दोनों साइड्स हैं. देखो अब हमें क्या करना है, ये जो आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं ना, हमें ये डिज़ाइंस इन स्पेस पे पेस्ट करने हैं. लेकिन हमें क्या है देखना है कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ एडजस्ट होगा, लाइक दिस. देखो अब मैंने देखा कि यस, ये इधर से तो ठीक आ रहा है, इसका मेजरमेंट इधर से बिल्कुल ओके है, इसने पूरा स्पेस कवर कर लिया है, लाइक दिस. बट अगर मैं इधर देखूँ तो ये स्पेस ज़्यादा हो रहा है, इधर से तो ठीक है लेकिन इधर ज़्यादा हो गया है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे. बस इस तरह, बस इसकी शेप नहीं आती. बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, वो मैम आपको हेल्प लेने के लिए इसलिए बोल देती है कि आपको कहीं हार्म ना हो जाए किसी ऑब्जेक्ट से. सी लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने पोर्शन फोल्ड किया है इसको हम सीजर से कट कर लेंगे. सो लेट्स कट. बड़ा है इसको भी, यहाँ से हम इस तरह से देखेंगे. यस, एंड वी विल कट इट. डिज़ाइन यहाँ लग गया है, हम इसको यहाँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू पेस्ट कर देंगे. नाउ टेक अनदर पेपर, उसको भी हम इसी तरह से यहाँ रखेंगे शेप देने के लिए. जहाँ जहाँ से फोल्ड करने की ज़रूरत है उधर उधर से इसी तरह से फोल्ड करेंगे. देखो इधर ही ऐसे स्लेंट है तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लिया है, लाइक दिस, एंड वी विल कट इट.
ऐसे थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जैसे पहले किया था उसी तरह से भी लगा कर पेस्ट कर देंगे। देखो हम इस तरह से कट करके और पेस्ट कर लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारी एक पतली स्ट्रिप रह गई, तो अभी कुछ टाइम के लिए हम इसको इसी जगह छोड़ देंगे और ये वाले पोर्शन को इस तरह से लगाएंगे। जैसा आ रहा है ना उसी तरह से कर दो। जैसे ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की, अब ये वाला इतना सा पोर्शन मेरा बाहर रह रहा है ना, इस तरह से रहते हैं। लाइक दिस शेप भी अपने साथ साथ बनाते रहिए। पेपर आपका बहुत ही पतला है, जिस तरह से आप चाहेंगे उसी तरह फोल्ड हो जाएगा। मुझे क्या करना, सबसे पहले इस तरह से मैं शेप कट करती हूँ। ये ट्रायंगल ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, मैंने इसको कट कर लिया। फिर से लगा के देखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही देखो मैंने ये यहाँ लगाया। अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा इधर से पीछे से एक्स्ट्रा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कट कर दीजिए। इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि उधर से एक्स्ट्रा है। देखो जो हमारा ये वाला पोर्शन लग गया था उसके लिए हम इसमें से जो पतली स्ट्रिप बच गई है इसकी एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप कट कर लेंगे साइड से, बिल्कुल पतली सी। इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखो फिर ये वाला हमारा स्पेस फिल हो जाएगा ना। इस वाले पे आते हैं। देखो इसको भी इसी तरह से यहाँ पे ऐसे रखेंगे, सीधा फोल्ड कर देंगे जहाँ से भी हमें जरूरत है। ये पूरा रेडी है तो हम इसको कट कर लेंगे। शेप आ गई, इसको यहाँ पे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट शेप पर चलते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। यस इसमें रख के देखा, हमने इसका ये वाला पार्ट फोल्ड किया, देन हमने इसका
ज़रूरी नहीं है कि मैम जिस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रही है आप उसी तरह से करें। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे लें और इसके शेप ड्रॉ कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह से आप इसको फोल्ड करके या शेप ड्रॉ करके जैसे भी आप चाहें, बस कटिंग और पेस्टिंग में आपकी सफाई होनी चाहिए। अब हम इसको देखो, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन बच गया था उसको हमने ऊपर भी यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये पीसेस बच गए हैं इनका यूज़ करके इन दोनों को फिल कर देते हैं। सब कलर ये वाला कर लेते हैं, देखो बहुत ईजी से आएगा। इसको हम इस तरह से डायरेक्ट फोल्ड हो जाएगा डायरेक्टली। सो हमने ये वाली शेप कट कर लिया और हमने इसको ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। देखो अब हम लास्ट वाले को भी इसी तरह से फोल्ड कर लो, फोल्ड करके करना है, फोल्ड करके कर लो। डायरेक्ट आप ये शेप कट कर सकते हो या फिर स्केल की हेल्प से इनको मेज़र करके इन पेपर पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपको इसके अंदर पेस्टिंग वर्क दिखाना है बहुत ही अच्छे से, आपकी कटिंग और पेस्टिंग क्लियर होनी चाहिए और शेप्स भी। सो देखो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है, लाइक दिस वी आर डन विद आवर एक्टिविटी। आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।